गुड मॉर्निंग एनसीसी कैडेट्स कैडेट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिफॉर्म के ऊपर आपको स्कार्फ, कमरबंद और झालर कैसे लगाना है। ये बच्चे अक्सर बहुत गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। क्यों करते हैं आई डोंट नो, बट हो जाती है गलती, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको स्पेशली मतलब कि ध्यान रखना है कि जो हमारा कमरबंद लगाते हो वो हमेशा उल्टा लग जाता है, ओके? तो उसको कैसे आप मैच करोगे कि मेरा कमरबंद जो है कमरबंद सही है? तो पहले आप कैसे पता करोगे कि मेरा कमरबंद का एग्जैक्ट सही कैसे? तो ये है स्कार्फ, ओके? तो स्कार्फ में देखो आप रेड, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, गोल्ड, ये स्टेप आ रहा है, ओके? ये स्टेप आ रहा है। तो जब भी आप स्कार्फ लगाते हो तो हमेशा इसको पहले अपने गले की फिटिंग का करो, ओके? ये गले की फिटिंग करें, ठीक है? इस तरह से गले की फिटिंग हो गई। और जब आपको ये इन करना है तो इसे इन करना है, और एक सेफ्टी पिन से आप इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन से आप इसको टच कर लो। अंदर आपकी जो इनर है, गर्म इनर पहनते हो या समीज है, जो भी है, बनियान है, उसके साथ में इसको थोड़ा सा सेफ्टी पिन से, क्यों, क्या ये हिले नहीं? जब आप ऐसे चलते हो तो ये क्या क्या ये घूम जाता है और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसे प्लीज़ सबसे पहले इसका ध्यान रखना है। और जब भी आप इसको टाइट करते हो तो आप इस तरह का ब्लैक वाला चिपकाने वाला जो है उसे लगाओ, तो उससे क्या कंफर्टेबल होता है, थोड़ा बड़ा लगा लो, जिससे कि अगर एडजस्ट हो सके आपकी गर्दन के हिसाब से। और ये है आपका स्कार्फ, इस तरह से स्कार्फ लगाना। तो इस तरह से आपको ये गले का स्कार्फ लगाना है, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग होती है तो फिनिशिंग अच्छी आती है और आपको खुद को अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर ये फिटिंग सही से नहीं आती तो घूम जाता है और आपको बार बार इसको सेट करना पड़ता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी स्कार्फ लगाएं तो ये गले में ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दो जगह आप इसको चिपकाने वाला लगा सकते हैं ताकि ये फिक्स रहे, ओके? नेक्स्ट आता है हमारा कमरबंद। कमरबंद में ये है हमारा झालर। देखो ये आप देख रहे हो, ये झालर है। झालर में देखो वही सेम स्टेप है जो आपके स्कार्फ में है, पट्टियां जो है, ओके? रेड, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, गोल्ड, सेम। अब आपको क्या करना है, ये जो पट्टा है इसमें आपको इसके साथ मैच करना है। देखो ये आपके इस तरह से मैच करो कि अब आपको पता है कि मुझे ऐसे पहनना है। तो हर बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलती करते हैं और इसको हमेशा उल्टा लगाते हैं, ये इसको उल्टा लगाते हैं। तो उल्टा लगाएंगे तो बेटा ये देखो आपका ये मैच नहीं हो पाएगा। अगर आप गोल्ड पे लगाओगे तो ये देखो मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये इसको ऐसे घुमा दो। ये बहुत गलती होती है इसमें कमरबैंड को लगाने में, बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और ठीक है, ये मैच कैसे आपको मैच करना है, गले वाला स्कार्फ और ये झालर, देखो दोनों की जो कलर कॉम्बिनेशन है, रेड है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, गोल्ड, यही सेम यहाँ आ रहा है और यही सेम यहाँ आना चाहिए, ओके? तो इस तरह से आप इसको साथ मैच कर लो, ओके? अब ऐसे, और फिर इसको आप इस तरह से इसके अंदर डाल दो। तो इस तरह से आपको इसमें डालना है। और ये देखिए अब आपका कलर सही, मतलब कि फिक्स हो गया इस तरह से, ओके? अब एक चीज़ और करनी है कि हमेशा जो कमर बंद है उसको आपकी कमर के फिटिंग का होना चाहिए,
ऐसे नहीं आप सेफ्टी पिन लगा रहे हो, आप हुक लगा रहे हो, उससे क्या है कि कंफर्टेबल नहीं होता है। और जैसे ही थोड़ा सा आप जैसे ड्रिल करते हो, पैर उठाते हो, कदम ताल करते हो और दौड़ते हुए तेज चलते हो, तो उससे क्या होता है कि वो खुल जाता है और सेफ्टी पिन आपकी चुभ सकती है। तो इस तरह से जो ब्लैक कलर का बुकरम आता है, तो आप अपनी कमर की फिटिंग के हिसाब से उसको अच्छे से लगाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिटिंग करने के अंदर। ये देखो, ये तरीका है आपके कमरबंद को प्रॉपर फिटिंग में लाने के लिए। ओके, तो अब इसको कैसे आप अपने कमर पे लगाओगे, बेल्ट ओपन करना है, अब आपको ये कमरबंद अपने कमर पे लगाना है। तो ये जो झालर है ये हमेशा लेफ्ट साइड में आती है। ओके, तो अब आप इसको पहले इसको खिसका लो और अपनी कमर पे पूरा इसे फिटिंग करो। ये देखो इस तरह से, अगर आपसे अकेले से टाइट नहीं होता है तो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लो। ओके, ये फिक्स हो गया है और ये नीचे नहीं निकलना चाहिए, इसको अच्छे से ऊपर खींचो ताकि ये प्रॉपर सही लगे। ये हो गया। यस, इस तरह से। और ये जो रेड वाली जो पट्टी है हमारी रेड कलर का, इसको आपके बटन के बीच में और पैंट की सिलाई के जिप के सामने रखना है। ओके, तो इस तरह से आपको कमरबंद, झालर और स्कार्फ लगाना है। ओके, अब आती है, अब आपको बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट कैसे लगेगा, इसके ऊपर, इसके अंदर से निकलेगा बेटा। यस, दिख रहा है कैसे मैंने बेल्ट लगाया, कैसे कमरबंद, झालर, स्कार्फ लगाया, अभी आपको दिख रहा है। आप इसको मिरर में देखो कि बैक साइड से निकल तो नहीं रहा है। ओके, इस तरह से आपको ये बनाना बेटा। अगर आपका जो कमरबंद है इसमें अगर प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी तो जब आप बेल्ट लगाओगे तो इस कमरबंद में चुन्नट आ जाएगी, सल पड़ जाएगा और वो आपकी फिनिशिंग, आपकी यूनिफॉर्म को अच्छा नहीं लुक, अच्छा लुक नहीं देगा। ओके, तो ख़राब लगेगा कि नहीं बच्चे को कमरबंद झलस का पहनना नहीं आता है। तो अगर यूनिफॉर्म पहनना है तो यूनिफॉर्म के साथ साथ ये भी आपको पहनना आना चाहिए। ओके, क्यों कई बार क्या होता है हम बहुत लंबे टाइम के बाद इसको पहनते तो हम भूल जाते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा होता है तो दो तीन बार एक बार आप घर पर ट्राई कर लिया करो कि इसको मुझे कैसे पहनना है, कैसे प्रॉपर फिटिंग करनी है। और एक और ख़ास बात कि बेल्ट लूज़ नहीं होना चाहिए, इतना आपका ये फिटिंग टाइट होना चाहिए कि अगर सर पकड़ें और ऐसे हिलाएं, ऐसे नहीं हिलना चाहिए, सर के हाथ भी अंदर नहीं जाने चाहिए, ये इतना टाइट होना चाहिए। क्लियर, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और वैसे जब आप आगे यूनिट में जाओगे तो आपको सर अच्छे से और समझा देंगे, सिखाएंगे बेटा, सब कुछ सिखाएंगे आगे जाके। लेकिन एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको सिखा रही हूँ बेटा, ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कमरबंद झालर का आप कैसे लगाना है। तो ये है तरीका, ये हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, बेल्ट इसके नीचे से आता है और ये जो लूपी है ये इस तरह से यहाँ दिखती है। और ये तरीका है बेटा। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये यहाँ से जो शर्ट में सलवटें होती है उसको थोड़ा सा बैक साइड में कर लो और हल्का सा ये इस तरह से निकाल के रखो। क्यों? क्योंकि जब आप ये हाथ स्विंग करोगे तो पीछे जाएगा, अगर टाइट होगा ज़्यादा तो आपका हाथ नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि आराम से ये पूरा पहनने के बाद थोड़ा सा ऐसे अपने आप को स्ट्रिच कर लो ताकि हल्का सा शर्ट यहाँ से हल्का सा बाहर हो जाए ताकि आपको ड्रिल करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके ओके बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।